सो वेलकम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें आज अपन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, वहां पर हमें दो पार्ट कहे हैं और फर्स्ट पार्ट हमें बोला है इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 7 और सेकेंड आपको दे रखा है a - b (x) + a + b (y) = 3a + b - 2। हमें उन्होंने बोला कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अपना सोल्यूशन कैसा है, यहाँ पे सोल्यूशन उन्होंने कहा इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है। इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन का मतलब आप समझ गए होंगे, काफ़ी होशियार हैं सबके सब। क्या करेंगे यहाँ पे, तो लगा देते हैं a1 / a2, b1 / b2 और c1 / c2। तो देखो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 / a - b = 3 / a + b = 7 / 3a + b - 2। अच्छा इन्फिनिटी सोल्यूशन है तो मैंने तीनों को इक्वल रख दिया है ना, a1 / a2, b1 / b2 और c1 / c2। अब अपन फटाफट से देखते हैं इनको। तो देखो यहाँ पर दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल मुझे निकालने हैं, मिसिंग वेरिएबल, तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगी, आप हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या देखते हैं 2a + b और ये हो जाएगा 3a - b, तो ये हो जाएगा 2a + 2b = 3a - 3b। तो 2a - 3a + 2b + 3b = हमारा कितना हो गया 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का a और यहाँ देखेंगे हो जाएगा प्लस का 5b। कंडीशन हमारी हो गई 0, इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट। अब अपन सेकंड इक्वेशन देखते हैं। तो देखिए सेकंड इक्वेशन भी यहाँ पुट कर लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3a + b - 2 = 7a + b, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9a और प्लस का 3b - 6 = 7a + 7b। अब सॉल्व करें इसको, तो इधर ले आते हैं सबको, 9a - 7a + 3b - 7b = -6, जरा के प्लस 6, तो ये हो गया कितना 2a - 4b = 6। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड दे दूं, तो पूरी डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो कितना आ जाएगा a - 2b = 3। ये हो गई मेरी कंडीशन कौन सी, ये हो गई सेकंड, है ना। अब सॉल्व कर देते हैं इनको। तो देखो a - 2b = 3 गिवन है और यहाँ पर -a + 5b = 0 गिवन है, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत है क्या बताओ यहाँ पर, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले से चेंज है। तो यहाँ आ जाएगा कितना 3b = 3, ये 3, तो b की वैल्यू अपनी आ गई 3/3 यानी कि 1, तो b अपना कितना आ गया, b आ गया हमारा 1। तो अब इक्वेशन में रख देते हैं a - 2 × 1 = 3, तो a = कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं -2 = 3, तो ये हो जाएगा a = 3 + 2 = 5, तो a 5 आ गया और b कितना आ गया है हमारा 1। ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो यहाँ स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशन जो दी है उसमें k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेकिन बोला है कि नो सोल्यूशन है। अब देखो नो सोल्यूशन में कैसे वैल्यू निकालते हैं वो आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर भी सेम हम इक्वेशन लगाएंगे, तो 3/2k - 1 = 1/k - 1 = 1/2k + 1, ठीक है। लेकिन ये नंबर हो जाएगा हमारा क्रॉस, क्योंकि नो सोल्यूशन है। अब नो सोल्यूशन की ये रिक्वायरमेंट होती है, तो इनको क्रॉस करके आंसर निकाल देते हैं। तो 3 × k - 1 = 2k - 1, तो ये हो जाएगा 3k - 3 = 2k - 1, 3k - 2k इधर के माइनस हो गया, ये माइनस से इधर आगे प्लस माइनस, ये हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा कितना k, तो k की वैल्यू सिंपली अपनी कितनी आ गई 2। ये हो गया हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट।